हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल को, और आपको इसी तरह से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जानकारियाँ मिलते रहेंगे। आज हम डिस्कस करने हैं कर्टेन, जो चढ़ाई स्टेप्स चढ़ते वक्त हैंड रेल के जैसा रहता है ना, तो आप चाहे तो स्टेनलेस स्टील में भी ले सकते हैं, या फिर जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, इस टाइप में भी कर सकते हैं। किस तरह से करना चाहिए वो आज आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट शॉर्ट वीडियो, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है आपको, देखिएगा। जो कि यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट क्या करते हैं, इस टाइप आपको भी बनाना है अपने घर में भी, तो क्या एक मेथड है, प्रोसीजर है, मैं बता दूंगा आपको। एंड डिस्क्रिप्शन में भी देखिए, अगर आपके घर का कुछ फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइंस हमारे चैनल को या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना चाहते हैं तो आप सेंड कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, 8095615113। जो रॉड रहते हैं इसके अंदर आप सेंटरिंग का वर्क करते हैं ना, उसी वक्त कंक्रीट फिल करने से पहले इसके अंदर के रॉड जो है करीब 3 फीट या फिर 2.5 फीट तक यहाँ तक लाया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, ये रॉड जो रहता है ना, इसको जॉइंट किया जाता है, ये रॉड और ये वाले रॉड को जो है जॉइंट किया जाता है, तो एक्सटेंड कर दे। यहाँ पर देख सकते हैं इधर कट है, तो पहले जो अंदर छोड़े हुआ स्टेयर्स के अंदर जो स्टेप के अंदर जो छोड़े हुआ रॉड रहता है ना, उसको जो है जॉइन किया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका ये जाली, इसे आप कबूतर जाली या फिर चिकन मैश भी कह सकते हैं। चिकन मैश थोड़ा सा अलग रहेगा, एक कबूतर जाली है, यानी कि उतना कुछ हार्ड नहीं रहता, जस्ट नॉर्मल सिंपल रहता है। तो फुल रेनफोर्समेंट 8 mm का या फिर 6 mm का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 mm रॉड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हैंडरेल प्रपोज, अगर कुछ बैंग वैसा कुछ बन रहा तो आप 8 mm का भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट पूरा फुल जाली बिठाया गया, ये सेम जो किचन के लिए इस तक वर्क किया जाता है ना, वही मेथड है, इसका भी प्रोसीजर वही है, किचन प्रपोज जो करते हैं ना वर्क, वही सेम प्रोसीजर है इसका भी। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टेपली स्टेपली क्या गया, इसको अप्लाई किया जाता है, या इस टाइप का रेत मसाला, मसाला आप कह सकते हैं, बारीक तो इस वक्त थोड़ा सा हार्ड, ज़्यादातर थोड़ा इसमें सीमेंट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बिकॉज ये रहता है कि जब का जब ही एकदम इमीडिएटली इसको बिठाने का वर्क रहता, तो उसकी वजह से जो है ज़्यादा सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट आप 1:4 के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ज़्यादा सीमेंट लगाया गया इसको अप्लाई करने के लिए। ओके, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं इस तरह से दिखेगा, इसको थोड़ा सा मूवमेंट करता तो हिल जाएगा। ओके, तो डरिए मत, को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब ये घट अच्छा सा टफ हो जाएगा तो इसके बाद ये सही सलामत रहेगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल ज़रा हिल रहा है, स्टेनलेस स्टील भी यूज़ किए तो भी ऐसा मूवमेंट होने का चांसेस रहेगा। ओके, नो वरी मिट, ये कुछ छोटा जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था फिलहाल इस वीडियो में, बस इतना ही। सपोर्ट करते रहेगा हमारे चैनल को, हेल्प मी टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हैव अ ग्रेट डे।